चार तरह किसी इंसान का मजाक उड़ाना, किसी इंसान का मजाक करना हराम है बल्कि गुनाह कबीरा है। सबसे पहले किसी इंसान के फेस का मजाक करना, किसी इंसान के चेहरे का मजाक उड़ाना कि इसका चेहरा ब्लैक है, छोटा है, मोटा है, वैसा है, ऐसा है, मतलब बदसूरत है, ऐसा मजाक उड़ाना हमारे इस्लाम में हराम है, गुनाह कबीरा है। दूसरा मजाक किसी की नाक का उड़ाना, किसी इंसान के नाक को कहना कि इसकी नाक छोटी है, इसकी नाक बड़ी है, इसकी नाक मोटी है, पतली है, ऐसा है, वैसा है, फिर इसी नाक का उसको मजाक उड़ाना हराम है, गुनाह कबीरा है। नंबर थ्री, किसी इंसान की कद का मजाक उड़ाना, किसी इंसान की हाइट का मजाक उड़ाना कि इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी है, छोटा है और लंबा है, तो इसका मजाक बनाना हमारे इस्लाम में गुनाह कबीरा है, हराम काम है। सिर्फ गुनाह कबीरा ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए, एक इंसान जब किसी इंसान को मजाक करता है, किसी शय का, किसी के नाक का, किसी के कान का, किसी के फेस का, किसी के हाइट का, ये बिल्कुल एतराज़ करता है, ये बिल्कुल इनकार करता है अपने रब्बुल आलमीन के तख्लीक का। अगर किसी इंसान का फेस है, किसी इंसान की हाइट है, ये हाइट, ये फेस, ये नाक इसने खुद नहीं बनाई, इस इंसान ने खुद पैदा नहीं किया, बल्कि इसकी ये नाक, इसका ये कान, इसका ये फेस, इसका ये सब कुछ चेहरा, सब कुछ बॉडी, ह्यूमन बॉडी किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी मशीन ने नहीं बनाया, बल्कि इस इंसान को पैदा करने वाला वही रब्बुल आलमीन है, जिस रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे भी पैदा किया है, जिस रब्बुल आलमीन ने आपकी आँख, आपके कान, आपका फेस, मेरा फेस, आपके कान, मेरा कान, मेरा सब कुछ, आपका सब कुछ ह्यूमन बॉडी बनाई, उसी रब्बुल आलमीन ने भी उसी का ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन बॉडी बनाई। तो आप जब भी किसी की एतराज़, आप जब भी किसी का मजाक उड़ाते हो, बल्कि आप ये उसका मजाक नहीं उड़ाते हो, आप अल्लाह ताला का मजाक उड़ाते हो कि शायद उस अल्लाह को बनाना नहीं आया, कि शायद की कुछ कमी अल्लाह में ही है, नऊज़ बिल्ला, कि उस अल्लाह को, इस इंसान को बनाना सही नहीं आया, उस अल्लाह ने उस इंसान की नाक छोटी बनाई, उस अल्लाह ने उस इंसान की नाक छोटी बनाई, कान ऐसा बनाया, फेस ऐसा बनाया, ब्लैक वगैरह, नहीं नहीं, अल्लाह की किसी भी तख्लीक में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ताला की किसी तख्लीक पर एतराज़ करेगा वो सरासर गुमराह हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाए। और चौथा क्या है, किसी इंसान का हवा खारिज हो जाए, फिर उसका मजाक उड़ाना, फिर उसको इंसल्ट करना, ये चारों हराम है। अगर आज तक आप इनमें से किसी का इर्तिकाब करते थे, किसी हराम काम का, इनमें से किसी का मजाक उड़ाते थे, तो अभी से उसे, उस इंसान को माफ़ी मांगना और अपने अल्लाह से इस्तिगफार करना, माफ़ी मांगना अपने अल्लाह से, और तौबा करना कि आइंदा मैं किसी इंसान का, किसी भी चीज़ का मजाक नहीं बनाऊँगा। जो किसी का मजाक उड़ाता है, किसी को इंसल्ट करता है, खुदा की कसम वो भी एक दिन ऐसी कंडीशन में आता है कि लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं। तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाए, सब अल्लाह ही ने बनाए, आपको और मुझे भी अल्लाह ही ने बनाया, हमेशा आजजी में रहे। जो बंदा आजजी में रहता है ना, खुदा की कसम अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करता है।